रक्षाबंधन के त्यौहार पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं के आने जाने वाले रास्तों पर संबंधित थानों की पुलिस के साथ पीआरवी पेट्रोलिंग करेगी। डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार का कहना है कि थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में गश्त करने के आदेश दिए गए हैं। त्यौहार होने पर अपराधी भी सक्रिय हो जाते हैं, इसको लेकर पुलिस को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर महिलाओं का आना जाना रहता है, ऐसे हालातों में लूट की वारदातों में इजाफा हो जाता है। डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार का कहना है कि त्यौहार पर पुलिस को गश्त करने के आदेश दिए गए हैं। देखिए, रक्षाबंधन को लेकर के जो ड्यूटी चार्ट है वो हम लोगों ने लगा दिया है, और खासकर जो महिला बीट है उस पर भी सुदृढ़ किया जा रहा है, एंटी रोमियो को भी मजबूत किया जा रहा है, और पहले इस तरह की कोई घटनाएं हुई हो, कोई चेन स्नैचिंग या ऐसा कुछ हुआ हो, तो उन अपराधियों पर भी हमारी एसओजी सर्विलांस टीम लगातार नज़र रख रही है। जो डीसीआरबी है, जो त्रिनेत्र है ऐप है, और जो पहचान ऐप है, इन सब का डेटाबेस इकट्ठा कर लिया गया है, और सारी जानकारी के हिसाब से हम लोग पहले भी प्रिवेंटिव कार्रवाई भी कर रहे हैं कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग करने की भी कोशिश की जा रही है, और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो उस लॉ एंड ऑर्डर को मैं झेलने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी, वो प्रॉपर ड्यूटियां लग गई। भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन पर थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही पीआरवी भी सड़कों पर गश्त कर रही है, जिससे महिलाएं सुरक्षा के माहौल में आ जा सकें। एंटी रोमियो को भी अलर्ट कर दिया गया है, जिससे मंचलों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। बिल्कुल, जो पहले जो इस तरह के जो स्थान चिन्हित हुए हैं वहाँ खास करके अलग से ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके अतिरिक्त 112 की जो पीआरवी व्हीकल्स हैं वो सब भी एक्टिव रहेंगी, और पूरी इसमें मुस्तैद है पुलिस, और किसी तरह की कोई घटना नहीं होगी। डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार ने एसीपी थाना प्रभारियों के साथ पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आने जाने वाले रास्तों पर घूमने वाले संदिग्ध युवकों को रोककर तलाशी और पूछताछ की जा रही है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।